सुप्रभात बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कल आपको एंडोस्पर्म जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि इसका डेवलपमेंट सबसे पहले किसने देखा था, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हेम्स्टेन, जिन्होंने 1840 में कैप्सेला डर्सा पेस्टोरिस, एक प्लांट है जो कि क्रूसीफेरेसी फैमिली का है, ये डाइकोटिलेडन प्लांट होता है, एक होता है मोनोकोटिलेडन, एक होता है डाइकोटिलेडन, जिनके अंदर कॉटिलेडन्स जो हैं अगर 2 पाए जाते हैं तो वो डाइकोटिलेडन हो जाते हैं, और अगर सिंगल में होता है तो वो मोनोकॉट हो जाते हैं। तो अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जब फर्स्ट डिवीज़न होता है तो वो ट्रांसवर्स वे में होता है, और ट्रांसवर्स ये जैसे कि हमारा उस पोर है जायगोट है, ये ट्रांसवर्स डिवीज़न करके, फर्स्ट डिवीज़न है ये, ट्रांसवर्स डिवीज़न करके क्या एक एम्ब्रियो सेल और एक बेसल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। अपर जो एपिकल पोर्शन जो होता है जिसमें माइक्रोपाइल साइड जो होती है वो तो एम्ब्रियो सेल हो जाती है, चेसल पार्ट साइड जो होती है वो बेसल सेल हो जाती है। अगर हम इसका फर्दर देखें तो ये जो है ये फर्दर डिवाइड होके 4 सेल स्ट्रक्चर बनाता है, और एक 4 सेल स्ट्रक्चर डिवाइड करता है ये, फिर दोबारा से ट्रांसवर्स सेक्शन करता है, ट्रांसवर्स सेक्शन करके 4 सेल में डिवाइड होता है, 4 सेल के बाद में ये ऑक्टेंट यानी कि 8 सेल में दोबारा से ये डिवाइड हो जाता है, और इसके जो नीचे का जो पार्ट होता है, नीचे के पार्ट में अगर हम देखें तो एक लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 7 से 8 सेल का एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसर। इसके लोअर में एक बिग सेल होता है जो कि काम करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको बाद में नरिशमेंट देने का ये बेसल सेल काम करता है। इसके बाद जैसे ऑक्टेंट है ये डेवलप हुआ तो इसके लिए एक आउटर लेयर बनी, इसकी आउटर लेयर बनने के बाद में यहाँ देखो ये मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इसके अंदर मैच्योर एम्ब्रियो को देखोगे आप तो एक राउंड शेप मैच्योर एम्ब्रियो है जिसके ऊपर आउटर लेयर है, ये जब इसके अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकल, जब ये ऑक्टेंट बनता है तो इसके अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों तरीके के क्या होते हैं, डिवीज़न देखे जाते हैं। जो ट्रांसवर्स होता है वो तो क्या करता है, इसको यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड किया था, जब ये वर्टिकल और ट्रांसवर्स दोनों हो जाता है तो ये ऑक्टेंट फॉर्म कर लेता है। तो ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों तरीके से डिवीज़न होने की वजह से इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो होती है वो बार बार जो इसके अंदर वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं उसकी वजह से इसके अंदर डर्मेटोजन एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जो कि इसकी आउटर लेयर होती है, उस वही आगे डेवलप होके इसकी एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। जब आगे फर्दर जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये जो एम्ब्रियो होता है ये एम्ब्रियो राउंड शेप का होता है और फर्दर डेवलप होके एक हर्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, और यही हर्ट शेप बाद में आगे चल के कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करता है। तो आप हर्ट शेप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन, जो कि आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर लेती है, एपिडर्मिस का, मैच्योर एपिडर्मिस का, और इसका जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ये कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करता है। इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, प्लूमूल पार्ट होता है, इसके बेसल में रेडिकल पार्ट होता है, और बेसल के जस्ट नीचे एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैंने बताया था आपको सस्पेंसर होता है, और सस्पेंसर जो इस पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस, जो कि एक रूट एपेक्स का फॉर्मेशन आगे चल के करता है। तो और इसका काम डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का भी साथ के साथ रहता है। अगर हम बात करें कि ये जो प्लूमूल होता है ये आगे चल के फर्दर जब ये एम्ब्रियो डिवाइड होता है तो इसके एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो कॉटिलेडन और एक्सिस में डिवाइड होते हैं,
तो एम्ब्रियो एक्सिस जो होता है वो भी दो पार्ट में होता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो एम्ब्रियो जो एक्सिस होता है, जिसका जो लोअर पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल, और इसके जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। तो एम्ब्रियो एक्सिस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर और लोअर। बेसल जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। जब मैंने बताया था कि यही हर्ट शेप स्ट्रक्चर जो होता है फर्दर डेवलप होकर कॉटलीडन का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये कॉटलीडन फॉर्म हो गई है। कॉटलीडन्स के बीच में जो होता है एक प्लूमूल होता है यहाँ पर, जो कि प्लूमूल जो होता है वो आगे चल के शूट यानी कि स्टेम का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर जो बेसल पार्ट होता है ये रेडिकल पार्ट होता है जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर ये जो सेल है, मैंने बताया था मिच्योर होके डर्मेटोजन है, वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये एंडोस्पर्म के अंदर उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कॉटलीडन के सेंटर में जो होता है वो प्लूमूल पाया जाता है। मोस्टली डाइकोटलीडन के अंदर जो होता है वो उसका जो प्लूमूल होता है वो कॉटलीडन के सेंटर में पाया जाता है, बट मोनोकॉट में यही जो प्लूमूल होता है वो बेसल पार्ट में पहुँच जाता है। तो वहाँ पे जो स्टेम का जो फॉर्मेशन होता है वो बेस साइड से होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेस में है रूट रीजन, जिस जो कि रेडिकल पार्ट होता है, रेडिकल जो है वो रूट रीजन को डेवलप करता है, और जो प्लूमूल पार्ट होता है वो स्टेम यानी कि शूट रीजन को डेवलप करता है। ये आपका यहाँ जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये सस्पेंसर होता है, और ये ओव्यूल का आउटर पार्ट है जिसमें आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों होते हैं। आगे चल के यही इंटेग्यूमेंट जो होते हैं, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट जो हैं वो सीड का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जिसमें कि एक ओस्पोर ओस्पोर जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। किसके, ट्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है हमारा क्या, जायगोट। जायगोट जो होता है आगे चल के एम्ब्रियो सेल और बेसल सेल में डिवाइड होता है। इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न के बाद एम्ब्रियो सेल और बेसल सेल होता है, उसके बाद में फिर इसके अंदर वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसमें ये बेसल एपिकल पोर्शन और बेसल पोर्शन बनाता है। एपिकल रीजन में इसका जो माइक्रोपाइल रीजन होता है, नीचे इसका बेसल रीजन में इसका चेजल रीजन होता है। चेजल पार्ट जो होता है वो सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर लेता है। एपिकल रीजन जो होता है वो फर्दर आगे ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीज़न करता है, जो कि टू सेल से फिर ऑक्टेंट में फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्टेंट जो होता है वो आगे चल के एक मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जो कि राउंड शेप में होता है। राउंड शेप के बाद में ये हर्ट शेप का बनता है। यही हर्ट शेप स्ट्रक्चर जो होता है आगे चल के कॉटलीडन का फॉर्मेशन करता है। कॉटलीडन के जो सेंटर में पार्ट पाया जाता है उसको प्लूमूल बोलते हैं। प्लूमूल जो होता है वो शूट एपेक्स का, शूट रीजन का डेवलपमेंट करता है, और जो रेडिकल जो होता है हमारा रूट रीजन का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये है, और इसके अंदर बार बार ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीज़न होने की वजह से इसकी एक आउटर लेयर जिसको हम डर्मेटोजन बोलते हैं, ये आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, सॉरी एंड एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये हुआ आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो अगर हम सीड के डेवलपमेंट की बात करें तो जो ओव्यूल होता है, मैंने बताया था ओव्यूल जो होता है इसके ऊपर आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स लेयर होती है। यही इंटेग्यूमेंट लेयर जो होती है आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करती हैं। जो इसकी आउटर इंटेग्यूमेंट लेयर होती है वो हार्ड इंटेग्यूमेंट लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। और जो इनर लेयर होती है इंटेग्यूमेंट की वो फॉर्म करती है सीड कोट, और वो एक थिन और मेम्ब्रेनस लेयर होती है। इसके बाद जो इसका फ्यूनिकल पार्ट होता है, मैंने ओव्यूल में जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको बताया था माइक्रोपाइल रीजन होता है, चेल्जर रीजन होता है, फ्यूनिकल होता है, हिलम्ब होता है, ये सब उसके पार्ट होते हैं। उसी में जो फ्यूनिकल मैंने आपको जो पार्ट बताया था, फ्यूनिकल पार्ट जो होता है वो स्टॉक का फॉर्मेशन करता है सीड के अंदर।
अगर हम बात करें हीलम चलजा और माइक्रोपाइल रीजन की, तो इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है जब सीड का डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, जो इसके चलजा, माइक्रोपाइल और हीलम पार्ट होते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। आउटर जो हार्ड लेयर होती है इंटेग्यूमेंट की, वो टेस्टा का फॉर्मेशन करती है, और जो इनर लेयर होती है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करती है, जो थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, और फ्यूनिकल पार्ट जो होता है वो उसके स्टॉक का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हम बात करें कि जो सीड होती है, वो सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म पाया जाता है उसके बेसिस पर सीड जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मस और दूसरा होता है एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस में क्या होता है, जब ओव्यूल का मैच्योर होके सीड का फॉर्मेशन होता है, तो कईयों में उसका जो एंडोस्पर्म पार्ट जो होता है वो यूज़ कर लिया जाता है, पर ऐसे तो पार्ट होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। और जो एंडोस्पर्मस होते हैं उसमें क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसके एंडोस्पर्म पार्ट को क्या नहीं करता है, यूज़ नहीं करता है। ऐसे जो डेवलपिंग सीड होती हैं उनको हम एंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि ओव्यूल और सीड के पार्ट्स में क्या क्या डिफरेंस देखा जाता है, जब एक ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है तो उसके किस पार्ट में कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, तो अगर हम बात करें ओव्यूल के पार्ट की और सीड के पार्ट की, तो ओव्यूल के पार्ट में फ्यूनिकल, हीलम, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, एम्ब्रियोसेक, एसेसरी सेल, एक्सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सब सारे पार्ट आते हैं। अगर हम ये बात करें, फ्यूनिकल जो होता है, मैंने बताया था जब सीड में डेवलप होता है तो वो फ्यूनिकल किस में डेवलप हो जाता है, आगे चल के स्टॉक में। हीलम जो होता है, मैंने बताया था कोई बदलाव नहीं आता इसमें, कोई चेंज नहीं आता, तो हीलम ही रहता है। न्यूसेलस जो पार्ट होता है, डिजेनरेट हो जाता है या फिर कुछों में ये प्रेजेंट रहता है। इंटेग्यूमेंट पार्ट मैंने आपको बताया था, आउटर लेयर जो होती है इंटेग्यूमेंट की, वो टेस्टा का फॉर्मेशन कर लेती है, और इनर जो लेयर होती है वो सीड कोट, जिसको टैगमेंट बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कर लेती है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो डेवलप या तो डिजेनरेट हो जाता है या फिर प्रेजेंट रहता है। एसेसरी सेल जैसे कि सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल्स थी हमारी, वो जो होती हैं वो आगे चल के क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। एक्सेल जो है वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एम्ब्रियो का। और सेकेंडरी न्यूसेलस सेल्स जो हैं, मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन में सेकेंडरी मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूसेलस के साथ में किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एंडोस्पर्म का। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जब ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है। वो मैच्योर होके जब ओव्यूल जब सीड का फॉर्मेशन करता है, तो ओव्यूल के किस पार्ट को क्या क्या फॉर्मेशन का पार्ट मिलता है, जैसे कि फ्यूनिकल जो होता है वो स्टॉक में, हीलम जो होता है हीलम में, न्यूसेलस डिजेनरेट हो जाता है या प्रेजेंट होता है, इंटेग्यूमेंट जो होता है वो टेस्टा और सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो सैक डिजेनरेट या प्रेजेंट होता है, एसेसरी सेल जैसे कि सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, एग सेल जो होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, और सेकेंडरी न्यूसेलस जो होता है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। अब बात आती है हमारी कि ओव्यूल का पार्ट तो हो गया, अब ये ओव्यूल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारे ओवरी में। अब ये जो ओवरी होती है, ये मैच्योर होके वो किसका डेवलप कर लेती है, किसको डेवलप करती है, फ्रूट को, यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट जो होता है वो मैच्योर ओवरी से होता है। तो अगर हम बात करें कि फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मैंने बताया था जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मैच्योर ओवरी फर्टिलाइज होके फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, वो फिर एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होके ओवरी का जो पार्ट होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है, और ओव्यूल पार्ट जो होता है वो सीड का। अगर ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन से जो हमें फ्रूट मिलता है वो हमें ट्रू टाइप फ्रूट मिलता है। अगर हम बात करें कि अगर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप ना हो करके किसी और पार्टों के थ्रू
फर्टिलाइज्ड होता है तो जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज्ड होकर ट्रू फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन ना करके अगर फॉल्स फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन कर लेती हैं तो ऐसे फर्टिलाइजेशन के दौरान हमें कैसा फ्रूट मिलता है? फॉल्स फ्रूट मिलता है। और ऐसे फर्टिलाइजेशन में फ्लावर के कैलेक्स, कोरोला और थैलेमस पार्ट जो होते हैं वो उस फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का ना हो करके किसका होता है? कैलेक्स, कोरोला और थैलेमस के पार्ट के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ऐसा जो फ्रूट बनता है वो फॉल्स फ्रूट टाइप बनता है। बट अगर हम देखें कि किसी किसी के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन भी जो एम्ब्रियो होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। फ्रूट का फॉर्मेशन करता है इस तरीके का फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही जो एम्ब्रियो होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि फ्रूट फॉर्म विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस होती है जिसमें ये इस तरीके के फर्टिलाइजेशन होके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर सीड नहीं प्रेजेंट होती हैं, यानी कि विदाउट सीड होता है क्योंकि इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए सीड फॉर्म नहीं होती हैं। जैसे कि बनाना और ग्रेप्स इसके एग्जाम्पल हैं। पपाया के अंदर भी जो पपाया जो होता है वो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। हमारे जो मैंने बताया था कि जो फ्रूट होता है इसको डेवलप करने के लिए हॉर्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑक्सिन, ज़िब्रेलिन। ये जब इसके स्टॉक पर, फ्रूट के स्टॉक पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन? ऑक्सिन और ज़िब्रेलिन। तो इस तरीके की जो पार्थेनोकार्पी होती है उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो जो फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, मैच्योर ओवरी से। अगर ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है तो वो ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। अगर एम्ब्रियो जो होता है वो उसके ओवरी पार्ट में से ना डेवलप होकर के किससे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैलेक्स, कोरोला और थैलेमस के थ्रू जब होता है तो वो फॉल्स फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। और अगर कोई जो फ्रूट जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर प्रोड्यूस होता है उस फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। उसके एग्जांपल हैं बनाना, ग्रेप और पपाया। तो ये हुआ हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अगर हम बात करें आगे, आपका है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का, वो एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का करता है, और ये एम्ब्रियो आगे चल के मैच्योर सीड और मैच्योर फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। जब इस तरीके का डेवलपमेंट होता है जिसमें शुरुआत के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा मैंने बताया था, एक होता है ऑल्टरनेशन जनरेशन के अंदर स्पोरोफिटिक और एक होता है गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक के अंदर तो उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और स्पोरोफिटिक पार्ट के अंदर उसके आउटर पार्ट आ जाते हैं। तो मैं इसको अल्टरनेशन जनरेशन को आपको समझाती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। तो अगर हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ जो वर्ड है हमारा अल्टरनेशन, इसी से मतलब पता चल रहा है। अल्टरनेशन मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब कि जो स्टार्टिंग में था वही दूसरी के बाद में वही पार्ट दोबारा से आ जाए, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन। मैंने बताया था कि अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो जनरेशन होती हैं, दो जनरेशन में पहली होती है हमारी स्पोरोफिटिक, दूसरी होती है हमारे गैमेटोफिटिक। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है और उसका जायगोट का फॉर्मेशन करता है तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है वो सबसे लंबी जनरेशन होती है, जो सबसे लंबा टाइम लेती है अपने आप को ग्रोथ करने में। इसके जो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है वो डेवलप होके रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले ये रूट का फॉर्मेशन करती है, फिर स्टेम से फिर लीव्स, और लीव्स के बाद में फिर जो है
इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है जो कि किसके अंदर आता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर आता है। इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आपको बताया था एंथर फिलामेंट जो कि स्टेमिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मास्टाइल ओवरी जो है वो कार्पल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसी तरीके से जो कार्पल का जो एंथर लोब में से पोलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल गैमेट होता है, और ओवरी के अंदर एक्सेल जो होता है उसका फीमेल गैमेट होता है। मेल और फीमेल जो गैमेट होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होके एक हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स का। इनके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद में ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन और एग सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब इस तरीके से जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और उनका फ्यूजन होता है, ये जायगोट का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के डेवलपमेंट के बाद में स्टेज जो है या इनके डेवलपमेंट के बाद में रुक जाती है, और दोबारा से जब इनके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और दोबारा से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जायगोट का, जो कि स्पोरोफिटिक में सबसे पहले क्या हो रहा था, मेल और फीमेल का फ्यूजन होकर जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। वही जायगोट जो है वो किस में डेवलप हो रहा था, रूट स्टेम और लीव्स में। और इसका मतलब ये है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद में दोबारा से कौन सी जनरेशन आ गई, स्पोरोफिटिक, यानी कि ये दोनों अल्टरनेटिवली ग्रो करती हैं एक साथ, यानी कि पहले स्पोरोफिटिक यानी जायगोट से रूट स्टेम और लीव्स के पार्ट का डेवलपमेंट होता है, और यही आगे जब फर्दर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसमें गैमेटोफिटिक होता है, और उसके पार्ट्स में से जब उनके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जायगोट का फॉर्मेशन करता है तो फिर दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था हमारा पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, आज फिनिश होता है। इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किसका बताया था, एम्ब्रियो का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर एंडोस्पर्म के पार्ट्स से किस तरीके से फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है। मैंने बताया था पॉलिनेशन में आपको बता ही दिया था क्लियर, तो पॉलिनेशन जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एंडोस्पर्म होता है जो कि ट्रिप्लॉयड नंबर में होता है, क्योंकि इसका जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा सेकेंडरी गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड नंबर में होता है, और हमारा सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉयड नंबर में होता है। दोनों फ्यूज करके, ट्रिपल फ्यूजन करके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एंडोस्पर्म का प्राइमरी। ये एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में नरिशमेंट का काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है, एम्ब्रियो के डेवलप के अंदर हमने बताया था जो जायगोट होता है वो फर्दर ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, उसका फर्स्ट डिवीज़न होता है, उसमें वो बेसल और एपिकल सेल बनाता है, एपिकल जो होता है वो माइक्रोपाइल रीजन होता है, बेसल जो होता है उसका चेजल रीजन होता है, चेल्जा रीजन होता है, और जो उसका एपिकल रीजन हो जाता है वो आगे चल के फर्दर ट्रांसफर और वर्टिकल डिवीज़न करता है, बेसल रीजन जो होता है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि सस्पेंसर कहलाता है, और जो ये इसका जो एपिकल रीजन था जो ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीज़न करता है वो ऑक्टेंट यानी कि 8 सेल्स का डिवीज़न करता है। उसके बाद उसके बार बार उसके अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीज़न होने की वजह से उसके आउटर लेयर बन जाती है एक, जिसको हमने डर्मेटोजन बोला था, और आगे फ्यूचर में वो डेवलप होके क्या बन जाती है, एंडोस्पर्म बन जाती है। फिर उसके अंदर मैंने बताया था कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मेच्योर जो एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चल के हर्ट शेप का फॉर्मेशन ले लेता है, वही हर्ट शेप जो होती है वो कॉटिलेडन्स में डिवाइड होती हैं, कॉटिलेडन्स के सेंटर में प्लूमूल रीजन होता है, उसके बेसल रीजन में रेडिकल पार्ट होता है, प्लूमूल रीजन जो होता है वो शूट एपेक्स का शूट्स रीजन का डेवलपमेंट करता है, रेडिकल जो पार्ट होता है वो रूट रीजन का डेवलपमेंट करता है। इस तरीके से
एंड मैंने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया था। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में सीड मैच्योर ओव्यूल जो होता है वो सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। इंटेग्यूमेंट लेयर जो ओव्यूल के अंदर होती है वो सीड का फॉर्मेशन करती हैं। उसकी आउटर लेयर जो होती है वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, आउटर लेयर जो होती है वो टेस्टा बन जाती है। जो इनर लेयर जो थिन लेयर होती है वो हमारी सीड कोट बन जाती है। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि किस तरीके से सीड का डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ फ्रूट का बताया, उसमें ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, पार्थेनोकार्पिक होता है, ट्रू फ्रूट जो होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, फॉल्स फ्रूट जो होता है उसमें उसके ट्रू फर्टिलाइजेशन के पार्ट्स ना होकर के अदर जो कैलिक्स कार्पल जो पार्ट हैं, कैलिक्स कोरोला जो पार्ट हैं उनके साथ में फ्यूजन होकर जो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन होता है वो जो है वो फॉल्स फ्रूट का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट डेवलप हो जाता है इसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है। उसका एग्जांपल होता है बनाना, ग्रेप्स और पपाया। तो ये हमारा पार्थेनोकार्पिक हो जाता है। फिर एंड मैंने ऑल्टरनेशन जनरेशन का आपको कर दिया। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं, और या फिर जो इसका हमारा जो ग्रुप चैनल है उस पर भी आप उसको इसको मेरी जो भी इस प्रॉब्लम से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको डाल सकते हो, या फिर मेरे नंबर पे आप खुद डायरेक्ट क्वेश्चंस की अपनी क्योरीज़ को दूर कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर मेरा समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।